हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती चौहान आपका आरती एडुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है 6th, 7th और 8th क्लास के लिए, वर्कशीट नंबर 51, जिसकी डेट है 2 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम पिकनिक पे जाते हैं हर साल, है ना। इस बार तो कोरोना की वजह से हम लोग घर में पढ़ रहे हैं वर्कशीट से, लेकिन क्या है, पिकनिक जाती है हमारे सरकारी स्कूलों में, और पिकनिक पे हम कभी कुतुब मीनार देख के आते हैं, कभी लाल किला भी देखते हैं, कभी हुमायूं टॉम देखते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली में जो हमें जाननी चाहिए, ये हमारी विरासतें हैं। तो इन्हीं विरासतों के बारे में आज की वर्कशीट है कि इनको जानिए, ये आपके SST सब्जेक्ट की है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार आप ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को 1193 में कुतुबद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था इसको बनवाना। उन्होंने 5 मंजिला इमारत बनवाई, लेकिन ये केवल इसका आधार का ही निर्माण करवा पाए, मतलब इसका शुरुआत तो इन्होंने कर दी लेकिन ख़त्म नहीं करवा पाए। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, ठीक है। मतलब शुरुआत करी थी कुतुबद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की, लेकिन इनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, फिर उन्होंने इस पे लाल बलुआ पत्थर को लगा के 3 मंजिलें निर्माण करवाई। जबकि इसकी जो अंतिम 2 मंजिलें हैं, क्योंकि 5 मंजिल बननी थी, उसने तो 3 ही बनवाई, तो 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थर से करवाया गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 73 मीटर, 73 मीटर की है हमारी कुतुब मीनार, ठीक है। अब याद रखना कुतुब मीनार के बारे में। चलिए अब देखते हैं दूसरी विरासत के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी विरासत है हमारी दिल्ली की लाल किला। लाल किला के निर्माण कब हुआ था, ये 1639 से अप्रैल 1648 के बीच में शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां सुना है ना, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था जब उसके साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी गई थी ना, तब उन्होंने इसको बनाने का निर्माण, इसको निर्माण कराने का निर्णय लिया था। ये आप ताजमहल देख रहे हैं, इसका जो निर्माण करा हुआ है, यमुना नदी है हमारी दिल्ली में, उसी के तट पर, उसी के किनारे पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। आपने देखा भी होगा किस रंग का है हमारा लाल किला, नाम ही लाल किला है और है भी लाल। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, मतलब डिजाइन जो करा था ना उस्ताद अहमद लाहौरी ने करा था, ठीक है। दो चीज़ें हमने देख ली। अब दिल्ली की अगली इमारत देखते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंडिया गेट। इंडिया गेट यह एक युद्ध स्मारक है। युद्ध स्मारक क्यों है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था 1914 से 1921 के बीच हुआ था। क्यों, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हो गए थे ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में इसका निर्माण करा गया था, और 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन करा लॉर्ड इरविन ने। क्योंकि पहले आप जानते ही हैं भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन था, ब्रिटिश साम्राज्य था, तो तब कौन थे, लॉर्ड इरविन ने इनका क्या करा था, इसका उद्घाटन करा था। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो आपने देखा होगा इंडिया गेट पे हमेशा अमर जवान ज्योति जलती रहती है, तो जो हमारे देश के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देते हैं उनके लिए वो अमर ज्योति हमेशा जलती रहती है, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा अपनी जो दिल्ली की जो कुछ इमारतों के बारे में जानकर। अब देख लेते हैं लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में करना है, तो आप लिख दीजिए। देखो, मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। लाल किला दिल्ली में शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। किले पर तिरंगा झंडा लहराता रहता है जो हमारी स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। इस किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल करा गया। इस किले के अंदर एक अजायब घर का निर्माण भी किया हुआ है।
यहाँ मुगल शासकों की पोशाकों, उनके शास्त्र और अन्य कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। साल भर में लाखों लोगों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक किले को देखने आते हैं। उसके बाद लगा दो पूर्ण विराम, हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन करिए। अब अमर जवान ज्योति के बारे में बताना है आपको। तो अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है जिसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में प्रज्वलित किया गया। अमर जवान ज्योति भारत का सबसे प्रसिद्ध युद्ध स्मारक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का वर्णन करिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है कुतुब मीनार, यहाँ पे कुतुब, ठीक है, कुतुब मीनार रह गया, यहाँ पे कुतुब मीनार लिख रहे ना। कुतुब मीनार को लाल बलवा पत्थर से बनाया गया है जिस पर कुरान की आयतों की व फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है, जो कि फूल बेलों को तोड़कर अरबी शब्द बनाए गए हैं, कुरानों की आयतें नहीं हैं। कुतुब मीनार पुरातन दिल्ली शहर की ढिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेषों से बनी है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। ये सारे ऐतिहासिक स्थल तो हैं, तो अब क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है, हम घरों में हैं, हम बाहर जा नहीं सकते, तो ये पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी जगह जाना पसंद है अपनी पिकनिक पे। तो आप लिख देना, कोरोना महामारी के बाद मैं विद्यालय की पिकनिक की तरफ से लाल किला देखने जाना चाहती हूँ। जहाँ भी आप देखने, अगर आप कुतुब मीनार देखने जाते हैं तो कुतुब मीनार लिख दो इसकी जगह। अगर आप जाना चाहते हैं और कोई चीज़ देखने, इंडिया गेट या और भी कुछ, तो इसकी जगह पे वो लिख दो और हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट 51 है वो आज आपकी यहाँ पे हमारी हमने सारी सोल्व कर ली है। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दो, इस पर अपने प्यारे से कमेंट लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।